क्या हाल है दोस्तों, आई एम श्योर आप सबने आज पैसे बचाए होंगे। किसने सोचा था बैंक निफ्टी निफ्टी की इतनी ठंडी एक्सपायरी जाएगी। एक ऑब्जर्वेशन है मेरी दोस्तों, एक्सपायरी से पहले ही मूव आ जाता है आजकल। मंडे और फ्राइडे बूम कर रहे हैं, ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे पूरा ठंडा साइडवेज गया। आप इस बात से अग्री करते हो कि निफ्टी से पहले ही या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो मूव अप कुछ बचा ही नहीं, हीरो जीरो कुछ बची नहीं, हमेशा हर कोई जीरो ही होना है। मतलब मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं ना, वो मार्केट के अंदर एक्सपायरी वाले दिन नहीं आ रहे, पहले ही आ जा रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं नोट कर रहा हूं पिछले कुछ एक्सपायरी से, और मंडे और फ्राइडे जो है ना वो बूम कर रहे हैं। कल फ्राइडे का दिन है 12th of January, देखते हैं किस प्रकार से मार्केट को हम प्ले आउट करेंगे। ये बात समझ लेना मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज में है, मतलब बायर्स और सेलर्स की पोजीशन बन रही है, कहीं ना कहीं फटेगा, और जब फटेगा तो छप्पड़ फार के पैसा देगा। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर बनाना, अपने आप को ना इंट्राडे ट्रेडर बोलना बंद करो, अपने आप को बस एक ट्रेडर एक इन्वेस्टर की तरह कंसिडर करा करो। फर्क नहीं पड़ता आज आपने पोजिशन बनाई, हो सकता है दो दिन बाद आप निकाल लो, हो सकता है आज आपका कोई ट्रेडिंग आपने ली ना रहे हो, क्योंकि ना ट्रेड लेना मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल है ट्रेड लेने से। एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस तो कोई भी कर ले, ट्रेड तो कोई भी लगा ले, चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठना कि मार्केट आज साइडवेज है, मार्केट की भी कुछ लिमिटेशन है, हर समय ऑप्शन बायर नहीं जीतेगा, ये समझ लेना। हर एक ऑप्शन बायर का असली हथियार, असली ब्रह्मास्त्र वही होता है। तो आपने क्या समझ लिया कि हर रोज आप पैसा नहीं कमाओगे, कमाओगे तो डुबाओगे ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। देखते हैं दोस्तों कल किस तरह से हम चार्ट को प्ले आउट कर सकते हैं। कल फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन में देखते हैं मार्केट किस तरह बिहेव करेगा। ये 7 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, हर शाम को 7 बजे मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो आपके पास लेके आ रहा हूं। हाथ जोड़कर विनती है, कमेंट जरूर करा करो, जो भी मैं ऑब्जर्वेशन लेके आ रहा हूं ये गोल्डन है, मेरे पूरे दिन के मार्केट एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होती है, और कल ये आपको काम आएगी आएगी, मेरी गारंटी है। दोस्तों मैं एक छोटा सा बात जानता हूं, ऊपर के लेवल से ना मार्केट के अंदर काफी रिजेक्शन आ रहा है। अब ये जो रिजेक्शन आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे रिजेक्शन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है? ये तो ले ही रहा है, बट हल्के हल्के जब जब मार्केट इसको टेस्ट करेगा ना, यहां पे जितनी भी पोजीशंस बनी है वो हटेंगी। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, एक ट्राइंगल बन रहा है निफ्टी के अंदर, नीचे से छोटी सी एक सपोर्ट जोन आ रहा है। ये मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 25 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगा के दिखा रहा हूं। एक नीचे से सपोर्ट जोन आ रहा है, और सपोर्ट जोन 1, 2, 3, यहां से इसने एक अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 2 दिन से मार्केट या 3 दिन से मार्केट क्या है, सेल ऑन राइज, यहां पे आ रही है गिर रही है, ऊपर जा रही है फिर गिर रही है, ऊपर गई मार्केट देखो ऊपर गई फिर गिर रही है, बट अब इसने हायर लोज बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले मार्केट का एक लो बना, अब उससे बड़ा लो बना, अब उससे बड़ा लो बना। नीचे के लेवल पे 47,000 तो बहुत बड़ा सपोर्ट है ही, ऊपर के लेवल पे अब मेरे को 47,800, 47,600, 47,800, 47,700, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। जब जितना मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा, ऊपर का यहां पे आप एक ट्रेंड लाइन देख लो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 25 मिनट के टाइम फ्रेम पे घूम रही है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, 2 दिन की ट्रेंड लाइन है ये। जितना मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करेगा हमारे लिए उतनी अच्छी बात होगी, उतना या तो ऊपर की तरफ फटने वाला है या नीचे की तरफ फटने वाला है। तो बहुत बड़ा मूव कल एक्सपेक्टेड है दोस्तों, अगर नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है नेक्स्ट टारगेट 47,000 का होगा, और खुदा ना खास्ता 47,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 46,500। पूरी 500 पॉइंट का रैली नीचे पेंडिंग है, अभी नीचे आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि मार्केट अभी अपने आपको करेक्ट कर रहा है। लॉजिक समझ गए, ऊपर का व्यू अभी मैं नहीं देख रहा क्योंकि डेटा हैवीली बेरिश हो रखा है। अगर मार्केट अब तोड़ रहा है ऊपर के लेवल्स को, तो 48,200, 48,300, 48,500 ये ऊपर के लेवल को ऑल टाइम हाई तोड़ता हुआ ऊपर जाएगा, बट उसके चांसेस मेरे को अभी के लिए कम लग रहे हैं। देखते हैं कल वो डेटा किस तरह प्ले आउट करता है, कल ट्रेड जरूर करना। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, निफ्टी का चार्ट तो बहुत ही ब्यूटीफुल है इस समय। निफ्टी के चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है ध्यान से समझना दोस्तों। निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले तो ऊपर एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही है, तो ये रही वो ट्रेंड लाइन। ऊपर के सपोर्ट, ऊपर के रेजिस्टेंस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं आप सबके लिए, कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी बनाए थे, आज वो ही हुआ। देखो कितना ब्यूटीफुल हमारा नीचे की सपोर्ट लाइन। अब आपको मैं थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, ब्रॉडर सैटेलाइट व्यू दिखाता हूं इसका। ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी का चार्ट नीचे के लेवल पे एक रिजेक्शन यहां से, मतलब एक सपोर्ट यहां से लिया, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, पांचवा सपोर्ट, अब एक एक करके मार्केट हायर लोज बना रहा है ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे। बट ये बात भी ध्यान रखना, अब मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन देना भी शुरू कर दिया, अब क्या होगा,
सेम जैसे बैंक निफ्टी के अंदर हो रहा है, यहां पे मार्केट हल्का हल्का कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। नीचे फटेगा तो 21,300, 21,000 ये हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। ऊपर फटेगा तो 21,700, 21,750, 21,800, 21,850 ये हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा जो मूव है वो नीचे की तरफ पेंडिंग है। ऊपर की तरफ अगर मूव मिलेगा तो 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट मिलेगा, उसमें ज्यादा मजा नहीं है। ऑप्शन बायर का, ऑप्शन बायर का तब मजा है जब थोड़ा सा मार्केट अपने आप को करेक्ट करे। जो परिस्थितियां बन रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगा, गारंटी करेगा। ठीक है जी, अब आपको करना क्या है, सैटरडे को मेरा इंट्राडे लखपति वेबिनार कंडक्ट करवाया जा रहा है दोस्तों। ये वन टाइम सेटअप है, एक बार आप इसको सीख लो, आपको बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, कब ट्रेड लेनी है, नो ट्रेडिंग जोन होता कौन सा है, क्या इंडिकेटर्स का यूज करके मैं बाय ट्रेड सेल करता हूं, मैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी जो है मेरी, मैं बीटेस्टी लेता कैसा हूं, कहां मैं एसएल प्लेस करता हूं, कहां एंट्री लेनी है, क्या एग्जैक्ट टारगेट होना चाहिए, कब पता लगेगा कि मेरे को यहां पर टारगेट बुक करना चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए एक इंट्राडे लखपति वेबिनार होने वाला है जिसमें मैं अपना बैक टेस्ट करा हुआ पिछले 5 साल का डेटा आपके साथ शेयर करता हूं और ये एक इंडिकेटर देता हूं जो मेरा खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के अंदर आपको बाय सेल सिग्नल दिया जाएगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये चार्ट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये इंट्राडे लखपति वेबिनार के अंदर मेरा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप मिल जाएगा, बोनसेस वर्थ 50,000 मिल जाएंगे, बाय सेल इंडिकेटर मिल जाएगा, ट्रेडिंग ई बुक्स मिलेंगी, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पास अवेलेबल है। मात्र फीस इसकी 199 है, यहां पे जाओ, लिंक इसका कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, 199 पे क्लिक करके पेमेंट करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। सैटरडे को दोपहर को 12 बजे होने वाला है, कोई इसको मिस ना करना क्योंकि इंट्राडे लखपति वेबिनार जो है ये लास्ट टाइम होने वाला है। हमने ऑलरेडी 4-5 वेबिनार हर सैटरडे को करे हैं, क्रेजी रिस्पॉन्स, मैसिव रिस्पॉन्स, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सैटरडे को होने वाला है। इन्वेस्टमेंट करो भाइयों, पता कैसे लगेगा कि मार्केट के अंदर यहां पे बाइंग जोन है, सेलिंग जोन है, ये कैसे पता लगेगा, सिर्फ लेवल्स देख के या सिर्फ चार्ट्स देख के नहीं, मेरे को हो चुके हैं 4-5 साल ट्रेडिंग करते हुए, इसलिए मैं ये लेवल्स इजीली बता सकता हूं और लेवल्स के ऊपर काम कर सकता हूं। बट जब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट चल रही होती है ना, तो पता नहीं लगता यहां से बाय करें सेल करें, ट्रेंड है क्या मार्केट का। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप जो मैं इंट्राडे लखपति वेबिनार में बताने वाला हूं आपके लिए गोल्ड माइन है। देखो किस तरह यहां पे रिजेक्शन ले रहा है यार मार्केट, ऐसे लेवल्स आपको बनाने आ जाएंगे, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टर आप बन सकते हो, फाइनेंशियल ट्रेडर आप बन सकते हो, उसी की जर्नी पे हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मैं सारे लिंक डाल दूंगा, जल्दी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, ट्रेड सेफ, कल बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, कल फ्राइडे, कोई बहुत बड़ी एक्सपायरी नहीं है, जिस दिन एक्सपायरी नहीं होती आजकल तब मूव आता है, ठीक है, इस बात को याद रखना, चलो मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।